नमो नमः आदरणीय प्रधानाचार्य जी, पूजनीय अध्यापका अध्यापिका, मम प्रिय मित्राणि च। ख्रिस्तीय वर्ष अनुसार जनवरी मासस्य षड्विंशे दिवसे अस्माकं देशे गणतंत्र दिवसः समारोह संभाव्यते। अयम ही दिवसो देशे गणतंत्र दिवसः समारोह संभाव्यते। अयम ही दिवसो भारतीय इतिहासे अति महत्वपूर्णः। पञ्चाशद् धिकैकोन विंशति शततमे ख्रिस्तीय वर्षे तस्मिन् दिवसे अनेके शताब्दी परतंत्रयानन्तर स्वतंत्र भारत राष्ट्र गणतंत्र मुद्घोषितं तस्य च स्वकीय संविधान स्वकीय च शासन प्रणाली तद्दिनात् प्रवृत्तते। एतत् नन्तरमेव भारतेन पूर्ण स्वातन्त्र्यं लब्धमिति कथयितुं शक्यते। तस्यैव महत्वपूर्ण दिवस्य स्मृतौ प्रतिवर्ष मेत दिनं राष्ट्रीय पर्व रूपेण सम्मान्यते। अतिदिने देशस्य दे प्रमुखेषु नगरेषु राष्ट्रीय ध्वजारोहणं भवति। राजकीय भवनानि च दीपमाला भिर्दीप्यन्ते। मेलकानि आयोज्यन्ते। अस्मिन् दिवसे विशिष्टः समारोह राजधान्यां दिल्ल्यां समायोज्यते। प्रातरे राष्ट्रपति भवन निकटस्थ विजय चतुष्पथे विशिष्टे मंचे राष्ट्रपति भारतीय सेनाया त्रिभ्य एव जल वायु सेनाभ्यो अभिवादनम स्वीकरोति। ततो अपि पूर्व राष्ट्रपति विशिष्टभय सैनिकभ्यो विशेषोत्साह शौर्य कौशल प्रदर्शनार्थम पदकानि वितरति। अस्मिन् दिवसे राष्ट्रपति गतवर्षस्य विशिष्ट विद्भय पुरस्कारान् सम्मानं वोद्धोप्यति। अयम् दिवसो आसमान भवन भारतीयानां भेदभावान् विस्मृत्य एकभावेन राष्ट्राक्षार्थ राष्ट्रसेवार्थं च प्रेरयति। अक्षुण चिरं तिष्ठतु भारतीय गणतंत्रम्। गणजन हृदयानां नित्य हदकारी सकल बुद्ध विकासो दुखी पीड़ा दापहरता प्रतिदिन मपि नाना योजना भी समृद्धो भवतु। भवु यशसो देश एश स्वतंत्र रहा। धन्यवाद।